वेलकम टू माई अनदर लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स क्या होती हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर का लेवल होता है बढ़ जाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर के लेवल का बढ़ जाना। तो देखो बेटा, बीपी को कम करने वाली एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स होती है। अब नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, 120 अपॉन 80 mmHg मिलीलीटर मर्करी। नॉर्मल रेंज है किसकी, ब्लड प्रेशर की। हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर लेवल्स। अब हाइपरटेंशन बोलते गए, जब हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ऊपर आ रहा है, तब उस कंडीशन क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कब बोलेंगे, जब आपका ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg से कम आ रहा है या इससे कम आया इतना है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर लेवल का डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स जो आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन करें, ब्लड प्रेशर को कम करें, उनको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स। तो इसी रेंज में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स। जो एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स हैं उनको कई कैटेगरीज में बांटा गया, और सिंपल ट्रिक में लिखा है, इसको याद करने के लिए सिंपल ट्रिक है ABCD। जो एंटी हाइपरटेंशन ड्रग है, बीपी को कम करने की दवा है, वो जल्दी चार क्लास में बांट दी है। ए का मतलब क्या है, ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स पहली क्लास है इसकी। दूसरी क्लास कौन सी आपकी, बीटा ब्लॉकर। तीसरी क्लास कौन सी आपकी, कैल्शियम ब्लॉकर। और चौथी क्लास की कौन सी, डायबिटिक्स। तो अब उस जो ACE इनहिबिटर्स है उसकी ड्रग कौन सी आपकी, कैप्टोप्रिल है। दूसरी ड्रग कौन सी इसकी, रेमिप्रिल। किसकी ड्रग है आपकी, ACE इनहिबिटर्स की। दूसरी क्लास कौन सी आपकी, बीटा ब्लॉकर्स। इसकी ड्रग कौन सी है, बिसोप्रोपोल, प्रोप्रानोलोल और लेविप्रोपोल। ये इसकी मेन ड्रग है बीटा ब्लॉकर की। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की थर्ड क्लास की ड्रग है, और इसकी ड्रग कौन सी आपकी, वेनाफेमिन, एम्ब्रोलेपाइन, नेपिडिपाइन और डिंडियाजेम। ये इसकी फेमस ब्रांड ड्रग है। ठीक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की मेन ड्रग है कौन कौन सी, वेनाफेमिन, एम्ब्रोलेपाइन, नेपिडिपाइन और डिंडियाजेम। ये दोनों आपकी जो ड्रग है, एम्ब्रोलेपाइन और नेपिडिपाइन, फेमस ड्रग है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, और इससे बेटर रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट क्लास आपकी डायबिटिक्स। डायबिटिक्स क्या करती है, आपकी जो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन होता है उसको सीक्रेशन को बढ़ा देती है, जिस कारण क्या होता है, सोडियम और कैल्शियम जो है आयंस का एक होता है बॉडी से रिलीज कराने का काम करती है, जिस कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन रहता है। अब जो डायबिटिक्स है उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है ग्लूक डायबिटिक्स में और पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स में। ग्लूक डायबिटिक्स के एग्जाम्पल क्या है, प्रोसोमाइड फेमस लगे मार्केट में, सबसे ज़्यादा बिकती है। लेसिक्स की टैबलेट आती है जो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है और जो यूरिन का सीक्रेशन होता है उसको ट्रीट करने का काम करती है। नेक्स्ट है कौन सी इसकी, ब्यूमोटेनिडिन। अब इसकी देखें आप, पोटेशियम स्प्रिंग डायबिटिक्स की, एम्प्रोडेरिन, ट्राइमोडेरिन और स्प्रिंगोलैक्टोन। ये सब आपका किस क्लास में रहता है, आपका एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स का क्लास में रहता है। ये बता दिया एंटी हाइपरटेंशन ड्रग क्या होती है, जो ब्लड प्रेशर को कम करेगी। बोलो अच्छा आया समझ में, समझ में आया जैसा। अब क्या बताते हैं, जो मेन ड्रग है आपकी प्रोप्रानोलोल, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए करेंगे आप, दो बेंजीन लेंगे, बना दिया ऊपर एक ऑक्सीजन लगा के ऐसा बनाया, और NaCH और CH3 का होल ड्राइंग। इसका यूज़ क्या है, जो प्रोप्रानोलोल ड्रग है आपकी, इसका यूज़ क्या है, एंजाइना पेक्टोरियस चेस्ट पेन उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, तीसरा जो हार्ट रिदम आपकी डिसऑर्डर है आपका, हार्ट बीट की रिदम है उसको ट्रीट करने के लिए, टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए, चौथा क्या है इसका, प्रीवेंटिंग हार्ट अटैक, हार्ट अटैक को बचाने के लिए भी इस ड्रग का यूज किया जाता है। इसका प्रोप्रानोलोल ड्रग मार्केट में किस फॉर्म में आ रही है, कैप्सूल की फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में और टैबलेट की फॉर्म में ये ड्रग आती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम, तो पॉपुलर ब्रांड नेम का मतलब क्या है, मार्केट में किस नाम में आ रही है, हीमोनोलोल और इम्यूनोप्रोनोलोल। अब नेक्स्ट हो जाती है कैप्टोप्रिल की, वो क्या है, बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 मेंबर ड्रिंक लेंगे नाइट्रोजन लगा के, OH ऑक्सीजन लगा देंगे, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड लगा देंगे, सल्फर लगा देंगे। अब इसका उपयोग क्या है, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ किया जाता है इसका। दूसरा यूज़,
मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन में यूज किया जाता है इसका। तीसरा था ट्रीटिंग न्यूरोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो आपके नर्वस सिस्टम में डिसीज है उसको बोलते हैं न्यूरोपैथी डिसऑर्डर हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए भी स्केप्टोफिल ड्रग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टी है, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल है, टैबलेट की फॉर्म में और ब्रांड नेम इसका क्या होगा, कैप्टोफिन। तो आज हमने डिस्कस किया था एंटी हाइपरटेंशन, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब करना चाहूँगा।